नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका दोस्त चैनल पर। हर कदम आपके साथ, एक नई सोच के साथ। दोस्तों, लेटेस्ट खबर, कमलनाथ कैबिनेट की अहम बैठक हुई संपन्न और इन अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली है, तो आइए जानते हैं। कमलनाथ कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। बैठक में एक दर्जन से ज़्यादा प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। वहीं कैबिनेट के सदस्यों ने सीएम कमलनाथ का सम्मान किया गया। साथ ही मैग्निफिसेंट एमपी इन्वेस्टर समिट और झाबुआ चुनाव में कांग्रेस की जीत को लेकर कैबिनेट मंत्रियों ने सीएम को बधाई दी। बैठक खत्म होने के बाद मध्य प्रदेश के जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी मीडिया को दी। कैबिनेट में सभी मंत्रियों ने किसानों के लिए एक एक महीने का वेतन दिया। वहीं केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ दिल्ली में जाकर धरना देने की बात कही। वहीं मुख्यमंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में केंद्र सरकार द्वारा अतिवृष्टि के लिए राहत पैकेज न दिए जा को लेकर चिंता जताई गई। साथ ही कहा गया कि केंद्र सरकार अपने मध्य प्रदेश के साथ भेदभाव कर रही है। मंत्रियों ने यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी 4 नवंबर को मध्य प्रदेश में जो प्रदर्शन करने जा रही है, वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के घर के बाहर करना चाहिए, ताकि केंद्र सरकार मध्य प्रदेश को राहत की राशि दे दे। इन प्रस्तावों को भी मंजूरी मिली है। वरिष्ठ पत्रकारों को मिलने वाली सम्मान राशि को 7,000 से बढ़ाकर 10,000 किया गया है। मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों ने एक महीने की सैलरी अतिवृष्टि प्रभावितों के सहायता के लिए दी। मध्य प्रदेश राज्य पुनर्निर्माण कोष का भी किया गया गठन। ऐसा करने वाला एमपी देश का पहला राज्य बना। प्राकृतिक आपदा के दौरान इस कोष के माध्यम से मदद की जाएगी। मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रस्ताव को भी मिली हरी झंडी और मध्य प्रदेश में लगने वाले 2,640 मेगावाट बिजली प्लांट के लिए कोयले खरीदी का प्रस्ताव पास किया गया। बिजली उत्पादन के लिए कोल इंडिया से कोयला खरीदा जाएगा। हेलीकॉप्टर की निवादा नहीं आने के कारण इसका वापस से ऑक्शन किया गया जाएगा। वही मध्य प्रदेश सरकार का पुराना हवाई जहाज बेचकर नया हवाई जहाज खरीदने के प्रस्ताव को हरी झंडी मिली है। सरकार 59 करोड़ रुपए से 7 सीटर नया हवाई जहाज खरीदेगी। हरियाणा सरकार ने 2 महीने पहले ही ऐसा विमान खरीदा है। मध्य प्रदेश आउटडोर विमान नियम 2017 को और सख्त बनाने के लिए एक प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इसमें नेताओं के स्वागत, जन्मदिन आदि के बैनर पोस्टर सड़कों पर या निजी मकानों पर लगाने के लिए अब नगर निगम की अनुमति लेनी होगी। अनुमति लेने के लिए निगम इसकी फीस भी लेगा। यदि बिना अनुमति पोस्टर बैनर लगाए गए तो निगम उन्हें अवैध मानकर हटा देगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और इसी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें, जिससे आपको नई नई महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे चैनल से प्राप्त हो सकें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।